ये दोनों का सेम ही रहेगा, चिकन के लिए भी और चिकन वेज बस वेज सेम सेम सेम। तेल अच्छा खासा ले लिया। हाँ अदरक डालो बस, थोड़ा अदरक डाला है, अदरक डाला है। इसके बाद में लहसुन डालेंगे, लहसुन दिखा दीजिए एक एक वाटी पूरा लहसुन, और एक वाटी के अदरक डाला है, लहसुन डाला है, और ये क्या डाल रहे हैं? कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता डाला है अभी, हरी मिर्ची डाला हुआ है अपन ने। कितना हरी मिर्ची डाला? हरी मिर्ची 7 से 8 हरी मिर्ची है उसमें। ड्राई कोकोनट दिखा दीजिए, जो भी डालेंगे आप दिखा दीजिएगा मुझे। ड्राई कोकोनट है ये, ड्राई कोकोनट भाई 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 मेरे दिखा दे मेरे को, सीधा आप डालोगे तो मेरी ऑडियंस को दिखेगा, ये ड्राई कोकोनट है। हाँ तो ये सारे मसाले डाल दिए, अभी इसको भून रहे उसको। इसमें फिर अपन जो भेड़ी मिर्ची है जी वो उसमें डालेंगे, कम से कम 15 से 16 ये बीस ग्रेवी बना रहे हैं, ये हमारे चिकन के लिए भी जाएगा और जो भी अलग अलग मिसल है उसके लिए ये बीस ग्रेवी लगने वाला है। आपने कहा था आपका थोड़ा हटके है ना मिसल, हटके मिसल है, आप टेस्ट करेंगे तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा। अच्छा, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वुमेन एम्पावरमेंट भी है यहाँ पे, महिलाओं को आपने काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी है। 80% महिला लोग यहाँ पे काम करते हैं अपने यहाँ पे। अच्छा, और फैमिली मेंबर्स भी? फैमिली मेंबर है ना हमारे, अम्मा है। अच्छा, ये आपकी आपकी मॉम है? मॉम है। आपके भाई? भाई साहब है, बड़े भाई है जी, हेमा, हेमा ताई वाइफ है हमारी। अच्छा ओके, और हमारे अब्बा। अच्छा, अरे वेरी नाइस, मतलब आप लोग फुल फैमिली इसमें। और ये हमारे एक और प्लेट, ये कितना किलो होगा कांदा? ये कम से कम 1.5 किलो 2 किलो कांदा, 1.5 से 2 किलो कांदा है। इसको अभी कितना देर भुनेंगे? कम से कम 15 से 20 मिनट भुनेंगे उसको। 15 से 20 मिनट। हाँ, उससे क्या होएगा कि उसका जो कड़कपन जो है पूरा नरम होना होता है, एकदम सॉफ्ट कांदा, एकदम सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट एकदम। अच्छा अच्छा, एकदम ट्रांसफर होना चाहिए। इसको अभी भूनना है, ये मसाले भून रहे हैं। और ये इतना बड़ा थाली आ गई अब क्या से? पूरे वो क्या है ये? ये पूरे पाइसेस है, खड़े पाइसेस है जी जी। इसमें अपन डालने वाले हैं पूरे जी जी। इसमें जो है कार्डिमम है, इसको इलायची बोलते हैं उसको, इलायची 5-7 डालेंगे अपन इसमें। हाँ, ये पॉपी सीड है, पॉपी सीड मींस अपना खसखस, खसखस एकदम शाही है आपका तो मिसल, इतना सारा इंग्रेडिएंट जा रहा है, मैं खुद पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नटमेग को ही करना छोड़ना पड़ेगा, इसमें आपका धनिया रहेगा, आपका धनिया भी जा रहा है, क्या बात है, मतलब स्वाद बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये बड़ी शॉप है, बड़ी शॉप। हाँ, खुशबू आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी। ये शाहजीरा है, शाहजीरा, क्या बात है, शाहजीरा, बड़ा इंटरेस्टिंग मिसल बनते जा रहे हैं आपका। काला इलायची दो, दो काला बड़ा इलायची, बड़ा इलायची। हाँ, ए स्टार अनीस, स्टार अनीस। हाँ, ए काली मिरी, काली मिरी, काली मिरी। ओके, और यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूसली ये चलते ही जा रहे हैं और एक मसाला डालते जा रहे हैं। ये है मैस, जाय पत्री, जाय पत्री, जाय पत्री डाल दिया इसमें। बाद में है लौंग, लवंग, ये लवंग भी डाल दिया है। क्वांटिटी कुकिंग हो रही है दोस्तों, और ये थोड़ा तो राई जाएगी, राई है तो हल्का सा आपने लिया था बस जी। ये बात तेजपत्ता और तेजपत्ता, ये जाएगा तेजपत्ता, बे लीफ, ये आपने 2 पीस डाल दिया। ये है नटमेग, नटमेग, ओके ओके। ये इसमें जाएगा 2 से 3 टुकड़ा जाएगा खाली, 2 से 3 टुकड़ा नटमेग डाल रहे बस। इसमें ये बाद में फिर दालचीनी, दालचीनी भी आ गई, सिनेमन, सिनेमन, सुपर सुपर सिनेमन स्टिक्स आ गए हैं। बाद में सेसमी सीड, तिल, तिल, सफेद तिल बोल दिया,
वाकई में आपका मिसल बहुत अलग टेस्ट करेगा, मेरे को देख के ही समझ आ रहा है। ये रॉकस्टोन है, इसको अपन दगड़ फूल बोलते हैं। दगड़ फूल, ये देख लीजिए दोस्तों, इसको दगड़ फूल बोलते हैं। रॉकस्टोन दगड़ फूल, अच्छा अच्छा। अभी बाकी और मसाले क्या बात? इसमें इसको बोलते हैं अजवाइन। अजवाइन क्या बात? ओवा अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा है। हाँ डाइजेशन के लिए अच्छा है। अजवाइन आपने एक चुटकी डाला? हाँ एक चुटकी बहुत हो गया। हाँ खुशबू आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा। बाद में ये आएगा मेथी। मेथी ओके। हाँ क्या बात, कड़ा मेथी। इंडियन मसाले मतलब सब पूरे स्पाइसेस को, सारे स्पाइसेस आ गए, सारे स्पाइसेस आ गए उसमें। और ये भूनते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली। अच्छा ये मसाले खत्म हो, अरे बाप रे, मतलब आपने क्या पूरा मतलब मार्ट में गए, पूरा डीमार्ट उठा के लेके आ गए? इसमें 36 टाइप के मसाले गिरते पूरे, 36 टाइप के, 36 टाइप के। ये रोज आप लोग बना रहे? वन डे अप, वन डे डाउन। और ये 36 मसाले वाला मिसल है भाई, कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी, क्या बात है। मैं शुक्रिया था एक और बार करना चाहता हूँ, आपने बुलाया, इन्वाइट किया मुझे, और कसूरी मेथी जा रहा है। अच्छा इसको देखो, ऐसा मसल के आपको क्रश करके डालना है कसूरी मेथी को, ये स्टाइल से उसका खुशबू जो ना और बढ़ जाएगा उससे। और बाद में मगज जा रहा है उसमें, मगज। ओहो, इससे क्या है थोड़ा चिकनाई आती है, थिकनेस थिकनेस भी आ जाएगा उससे, थोड़ा शाही फ्लेवर, शाही भी हो जाएगा। ये काजू टुकड़ा है, अरे क्या बात है, मतलब ये नॉर्थ इंडियंस भी इंजॉय करेंगे ये वाला मिसल, मराठी तो हमारे जितने मित्र है। बाद में लास्ट में हल्दी है, ले भारी, एक 1 टीस्पून एंड हाफ। येलो कलर आ जाए, येलो कलर, हाँ पूरा संभला की आता, बस एवढंच आहे आता, फक्त बस व्यवस्थित एकदम फ्राय झाल्यानंतर आपली मेन रॉ ग्रेव्ही तयार होईल, त्यानंतर आपण ती मिक्सरमध्ये टाकून आपण त्याला ग्राइंडिंग करणार, ग्राइंडिंग करणार। ये देखिए अभी जैसे जैसे ये भून रहा है, ये धीरे धीरे एक साथ मिक्स हो रहा है, कम होते जा रहा है क्वांटिटी, बट ये अभी इसको भूनने वाला थोड़ा, अभी ये सारे मसाले डालने के बाद लो फ्लेम पे, क्योंकि हर एक मसाले की आइडेंटिटी अलग अलग रहती है। अच्छा, क्योंकि किसका लो फ्लेम में चलता, किसका हाई फ्लेम में चलता, खसखस है, खसखस है, खसखस को लो फ्लेम में चलता, या समझो अपना कार्डियम इसको लो फ्लेम चलता, हर एक हाई फ्लेम में चलता, मसाले अलग 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 टेम्परेचर पास करते हैं। ओके वेरी नाइस, ये सीखने भी मिल रहा है दोस्तों, बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड वी आर इन गोरे मिसल किचन यार। और ये मसाले मिक्स हो गए हैं और अभी गैस बंद करने वाले हैं, और इसको ठंडा होने के बाद मिक्सर में डालेंगे। क्या खुशबू आ रही है, तो ऐसी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या दाट यार, सारे मगज काजू मसाले, मतलब मसाला तो मेरे को लगता है आपने मॉल में से सारे मसाले उठा के लाके डाल दिए शायद आपको एक मसाला मेरे को लगता नहीं है छूटा होगा।